नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। अयोध्या राम मंदिर में काम करने वाली 20 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म, 9 में से 5 हुए गिरफ्तार। जी, आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाली 20 वर्षीय एक युवती ने 9 लोगों पर कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। हालांकि उस युवती ने थाने में FIR दर्ज कराई है, साथ ही यूपी पुलिस ने 9 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पीड़िता BA फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही है। वही क्या है पूरा मामला आपको बताया तो अयोध्या के कैंट थाने में छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी रिपोर्ट के अनुसार 16 से 25 अगस्त के बीच 3 अलग अलग मौकों पर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। आपको बताएं कि पीड़िता महिला ने क्या कुछ कहा है। पुलिस को दी अपनी शिकायत में उन्होंने दावा किया है कि वह अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती है और एक स्थानीय महाविद्यालय में BA अंतिम वर्ष की छात्रा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 127(2) गलत तरीके से बंधक बनाना, 75 यौन उत्पीड़न और 70(1) सामूहिक दुष्कर्म के तहत 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कैंट के प्रभारी निरीक्षक SHO अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा था, प्राथमिकी 2 सितंबर को दर्ज की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद शुक्रवार दोपहर को अयोध्या के पुलिस अधीक्षक शहर मधुवन सिंह ने 2 और गिरफ्तारियों की पुष्टि की है। ये गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान वंश, विनय, शारिक, शिवा और उदित के रूप में हुई है। तो आप देख रहे थे RJ रमझाझा न्यूज छत्तीसगढ़, मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद।